Hello everyone, my name is Jayaprakash. Today we will discuss about affiliate marketing. So, affiliate marketing क्या होती है? Affiliate marketing एक performance based marketing है, ठीक है? जिसके अंदर हमें commission हमारे performance based पे मिलता है. तो affiliate marketing में हम क्या करते हैं? हम third party business को promote करते हैं अपनी websites में, उनके products को हम affiliate करते हैं. Affiliate marketing का main concept है कि हमें अपने products, अपने sales third party के through कैसे ला सकते हैं. इसके लिए हम affiliate marketing करते हैं. अब हम बात करते हैं affiliate marketing के कुछ trends के बारे में. अगर मैं trend की बात करूँ तो पहला जो trend है वो हमेशा रहेगा content. तो affiliate marketing का जो main trend है वो है content. Affiliate marketing में content एक बहुत ज़्यादा important role play करता है. ये integral part है affiliate marketing का, क्योंकि content हमेशा हर जगह काम आता है. अगर आपका content अच्छा है, valuable है, तो आपके पास सेल्स आएंगी, लीड्स आएंगी, ठीक है? तो कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए. अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग आपसे जुड़ेंगे, वरना नहीं जुड़ेंगे. तो कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका विजुअल्स कैसे हैं, आपका कंटेंट कैसा शो हो रहा है थर्ड पार्टी को, तभी लोग आपसे एफिलिएट करेंगे. तो कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट ट्रेंड की बात करते हैं, वो है डिस्काउंटिंग थ्रू एफिलिएट्स. अब रिसेंटली लोग क्या कर रहे हैं, एफिलिएट्स में डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं, प्रमोशंस दे रहे हैं, सेल्स दे रहे हैं, मतलब हमको ऑफर दे रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग में. क्यों? ताकि लोग एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ आएँ, क्योंकि इतना ट्रेंड में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में 10% ग्रो करने वाली है एफिलिएट मार्केटिंग. तो कुछ एफिलिएट साइट्स, एफिलिएट प्रोग्राम्स ऑफर्स प्रोवाइड कर रही हैं, डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर रही हैं, कैशबैक प्रोवाइड कर रही हैं, ताकि ज़्यादा ज़्यादा सेल्स लीड जनरेट कर सके और अपने बिजनेस को स्केल अप कर सके. तो इन फ्यूचर ऑफर्स आपको और ज़्यादा मिलने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग में. तो एक न्यू ट्रेंड है, तो एफिलिएट्स के थ्रू हम ऑफर डिस्काउंट्स भी जनरेट कर सकते हैं. हम नेक्स्ट ट्रेंड की बात करते हैं, वो है फोकस ऑन ऑफबीट कैटेगरीज. हम बेसिकली हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट, ट्रैवल्स, फैशंस की चीज़ें खरीदते हैं. लेकिन कभी भी हम ऑफबीट कैटेगरीज की बात करूँ, मेडिसिन, ग्रोसरीज, डिफरेंट काइंड, जो हम ऑनलाइन परचेस करना पसंद नहीं करते हैं. अब रिसेंटली एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या फिर ई कॉमर्स के थ्रू लोगों ने ऑफबीट कैटेगरी में फोकस करना स्टार्ट कर दिया है. पर एफिलिएट मार्केटिंग में भी ऐसा ही है. एफिलिएट मार्केटिंग में भी लोगों ने ऑफबीट कैटेगरीज ऐड करना शुरू कर दिया. फॉर एग्जांपल, ज्वेलरीज, मेडिसिन, जितने भी चीज़ें हम ऑफलाइन खरीदते हैं वो ऑनलाइन आने शुरू कर दिए, ताकि लोग ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़े, अपने जो ऑफलाइन प्रोडक्ट्स हैं वो एफिलिएट कर सके. तो एफिलिएट मार्केटिंग में ये ऑफबीट कैटेगरीज ट्रेंड में है. फ्यूचर में लोग जो ऑफलाइन चीज़ें खरीदते हैं वो भी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ऑनलाइन खरीद सकते हैं. हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एफिलिएट मार्केटिंग. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है, AI, ठीक है? अभी हर जगह मशीनरी का रोल बढ़ रहा है. तो एक मशहूर कंपनी वेब गेम्स ने IBM से टाई अप करके एक आइडिया स्टार्ट किया है. वो फर्स्ट चैटबॉट बनाएंगे एक एफिलिएट मार्केटिंग का. तो उसमें क्या होगा, वो चैटबॉट सब कुछ मैनेज करेगा ऑटोमेटिकली. मशीनरी है तो मशीन लैंग्वेज समझता है, तो ऑटोमेटिकली वो सारी सेल्स प्रोग्रामिंग मॉनिटर करेगा एफिलिएट मार्केटिंग का. तो जिससे कि लेबर कम हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ मशीनरी होगा, जो कि मॉनिटरिंग करने में भी हेल्प करेगा. इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी टेकअप करने वाली है, तो एफिलिएट मार्केटिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेकअप करने वाली है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेनिफिट क्या है एफिलिएट मार्केटिंग में, कि हमारा जो भी वर्क होगा वो इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी मैन पावर लेबर में इफेक्टिव काम नहीं हो सकता है. लेकिन मशीनरी सब कुछ एक मशीन लैंग्वेज समझती है, ऑटोमेटिकली काम करेगी, ऑटोमेशन से काम करेगी. तो एफिलिएट मार्केटिंग इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है और ग्रो करने वाली है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो मेरा लास्ट ट्रेंड है वो है ऑप्टिमाइजिंग ऑफ वॉइस सर्च. अब रिसेंटली वॉइस सर्च ट्रेंड में है, ठीक है, क्योंकि अब लोग टाइप करना पसंद नहीं करते हैं. लोग वॉइस कमांड देते हैं और उसको स्पीकर पकड़ता है और सर्च करता है कुछ भी चीज़. और ऐसे रिसेंटली गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन भी अपने वॉइस सर्चेज प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि लोग वॉइस सर्च में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. तो वैसे ही एफिलिएट मार्केटिंग में भी इन फ्यूचर और अभी से वॉइस सर्च का एक मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो सभी अपने वॉइस सर्च प्रोग्राम्स पे फोकस कर रहे हैं. हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, हमें कुछ भी चाहिए, हम वॉइस सर्च से कमांड देंगे और हमें शो करेगा. तो वॉइस सर्च का एक रोल प्ले करने वाला है. और इंडिया में तो नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में लोग वॉइस सर्च पर ज़्यादा ध्यान देते हैं एज़ कम्पेयर टू टाइपिंग. तो वॉइस सर्च भी एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग में, और जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है इन फ्यूचर. तो ये थे कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के टॉप ट्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.